विधानसभा चुनाव को देखते हुए जबलपुर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, जहां शहर के ओमती थाने में क्षेत्र के शातिर बदमाशों और निगरानी शुदा गुंडे की परेड करवाई गई। वहीं इस दौरान पुलिस ने बदमाशों को चुनाव को लेकर समझाइश भी दी। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर विभिन्न थाना क्षेत्र के शातिर बदमाशों और निगरानी शुदा गुंडों की परेड पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर की गई, जहां निगरानी शुदा बदमाशों को पुलिस अधिकारियों के द्वारा समझाइश दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि थाना क्षेत्र में जितने भी गुंडा और निगरानी बदमाश है उन सबकी परेड कराने के संबंध में, तो आज सभी गुंडा निगरानी बदमाशों को चेकिंग के लिए बुलाया गया था। उनसे पूछताछ की गई उनकी गतिविधियों के संबंध में, उनके जो भी साथी दौरान उनके संबंध में। साथ ही उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता नहीं पाई जाए। यदि ऐसी कोई भी सूचना या फिर हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कितने अपराधी थे सर? यहाँ पर अभी 59 गुंडा निगरानी बदमाश हैं, उनमें से अब तक में लगभग 44 लोग आ चुके हैं और भी लोग समय साथ आ रहे हैं, उन्हें भी लोग हिदायत दी जा रही है। सर, सबसे ज़्यादा केस बेलबाग थाने के आसपास के हैं, तो वहाँ से कितने लोग? सभी थाना क्षेत्रों में किया जा रहा है। बेलबाग थाना क्षेत्र में भी लगभग 100 के आसपास जो भी गुंडा निगरानी बदमाश थे उन सभी को बुला करके उन्हें हिदायत दी गई है, उन्हें निर्देशित। फर्जी वोटर भी काफ़ी संख्या पे इस एरिया में पकड़े जाते हैं, उन पर क्या आपकी निगाह रहेगी? कि अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हम लोग बिल्कुल सतर्क रूप से निगाह रखे हुए हैं और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है। सारी पेट्रोलिंग पार्टियां भी सतर्क रूप से गश्त कर रही हैं। कोई भी ऐसी शिकायत पाई जाती है तो जो भी लीगल एक्शन होगा कठोरतम वैधानिक कार्रवाई। हम आपको बता दें कि जबलपुर पुलिस प्रशासन विधानसभा चुनाव को लेकर सतर्क नजर आ रहा है, जिससे क्षेत्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।